अस्सलाम वालेकुम। ये अमरूद का पौधा जो अबू जी ने अपने हाथों से यहाँ पे लगाया था तो माशाल्लाह काफी ज्यादा तो पौधा फुला हो गया, लेकिन यार इसके ये साइडों से ये सड़ना स्टार्ट हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों हो रहा है। पानी नहीं लग रहा या पानी ज्यादा लग रहा है, यहाँ से ये देखे ना सारा खत्म हो गया। तो मैं नहीं चाहता ये खत्म हो, तो मुझे इलम नहीं है, अबू जी होते तो उन्हें पता होता तो वो मुझे बता देते कि क्या करना इसके साथ क्या नहीं। अभी कुछ नहीं पता कि क्या है, तो अगर आप में से किसी को पता है कि ये क्या है और इसका क्या इलाज है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस तरह का हो गया यार पौधा सारा ही। गए कल हम गए थे सिम वगैरह अपने नाम करवाने के लिए, जो कि हम फैसला पर गए थे, आपने वो ब्लॉग अभी तक देख लिया होगा। तो आज बज गए हैं तकरीबन 1 बज गया, तो अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आई कि आके अपनी वेरिफिकेशन करवा लो। वैसे हमारी जो सिम है वो अभी चल रही है, लेकिन वो अभी मुझे कॉल नहीं, शायद कल आएगी या शाम तक आए पता नहीं। एक नंबर भाई का दिया था, एक मेरा दिया था, या तो भाई को आएगी या मुझे आएगी कॉल। तो अभी फिलहाल मुझे जाना है बाजार, घर के कुछ जो है वो सौदा जो है सल्फ है वो लेके आना है, राशन वगैरह जिसे कहते हैं, तो वो चलते हैं वो लेकर। अभी बहन लिख लूँ कि क्या क्या लेके आना है तो फिर चलते हैं। बड़ी बड़ी पर्ची तो हमें मिल चुकी है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमने एक लेके आना है कुकिंग ऑयल, ये पेंसिल क्यों नहीं चल रही, हाँ चल गई, ये लेके आना है। एक सर्फ एक्सल लेके आना है, और लेके आना है सन सिल्क शैम्पू सफेद चने, और लेके आनी माच। लिखाई मेरी इसी तरह की है भाई, अभी मैंने पर्ची बना ली ना, तो अभी और दो चार चीजें और याद आ गई हैं, लेकिन अभी मैंने लिखी नहीं है तो अगर पता नहीं याद रहती नहीं रहती। सवैयाँ भी लेके आनी है अभी, याद आने के लिए अभी अपने आपको बता रहा हूँ कि सवैयाँ भी लेके आनी है। बाइक में पेट्रोल डलवाना है, ये तो डलवा देंगे, बाकी अभी निकलते हैं। चला चलिए ले जी गए, हमारा सामान जो है वो आ चुका है हुकूमत पंजाब के वो जो है क्या ठेले में। तो एक चीज़ जो ऑयल हमने लिया, तो दुकानदार हमें दिखा रहा था दूसरा ऑयल जो कि अभी स्क्रीन में चल भी रहा होगा, तो वो कह रहा था कि वो वाला अच्छा है वो वाला नहीं अच्छा। तो हम तो किसान का यूज़ करते हैं, मशहूरी नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा था कि कोई मसला आ रहा है किसान के ऑयल में, लेकिन फिर भी मैं किसान ही लेके आ गया। अभी फिलहाल भूल गया हूँ मैं आलू लेके आना, तो आलू जाता हूँ लेके आते हैं, आलू लेके आते हैं। आलूओं के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पास ही मिल जाएंगे। हाँ जी नवे लेने, नवे भाई कार बैठा बैठा मैं हो रहा था बहुत, तो मैंने कहा बाइक निकालते हैं, काफ़ी दिन से बाइक भी नहीं चलाई थी, तो आज राइड करके आते हैं। तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बादल वगैरह तो आ रहे हैं लेकिन अभी इतने खास नहीं है, लेकिन ठीक है मौसम ठीक है। तो मेरे बाइक के पिछले टायर में हवा निकल जाती है, अभी चलते हैं उसकी हवा चेक करवाते हैं और देखते हैं कोई पंचर लीक है क्या, तो वो जाकर चेक करवाते हैं क्या मसला है। सोलह हवा आई नहीं अंदर, ये यहाँ से हो रही है पंचर जिसकी वजह से सारी हवा निकल जाती है इसकी। मैं तो निकला था राइड करने के लिए, अभी यहाँ पे बैठ के इसका पंचर लगवाते हैं, ये रोज़ाना हवा निकल जाती है इसके टायर से। आमने सामने दोनों पंचर लगे हुए हैं और दोनों ही ख़राब हैं। चक्कर है भाई, लड़के साइकिल पे जा रहे हैं और साथ उनके साथी हैं मोटरसाइकिल पे, जब ये वाला थक जाएगा फिर दूसरा उतरेगा वो साइकिल चलाएगा। इसी तरह आगे भी तीन जा रहे हैं, मेरे कैमरे में पता नहीं आपको नजर आने के नहीं आ रहे, पता नहीं कितना लंबा सफ़र करते हैं ये लोग। भाई भाई का पंचर लगवा के आया हूँ, तो अभी दोबारा से हवा नहीं है टायर में, ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हवा निकल चुकी है इसके। अभी दोबारा लेके चलता हूँ उसके पास दिखाता हूँ। पंचर नहीं दोबारा लीक हो रहा है जी, गाइस पंचर जो हमारा टिका टुका नहीं है, तो अभी दोबारा आए हैं रावल भाई और हुनैन भाई के पास, इसका टायर खुलवाएंगे फिर लेके जाएंगे, फिर इसका पक्का वाला पंचर लगेगा, फिर बात बनेगी, दूसरा बात ही नहीं बन रही यार। अभी इसका देखना ये खड़ी कैसे करनी है यहाँ पे, चको भाई अच्छा जी मैं भी आवा चलो।
बोले कि हम आ गए यहाँ पे 15 मिनट हो गए, पेंचर ही नहीं लगा रहे। उस्ताद जी यहाँ पे बैठे थे, अभी आग लगे, अभी मेरे ख्याल आ जाएंगे। अरे भाई आज ऐसे ही फंसा हूँ, इसका टायर ऐसा पंक्चर हुआ है कि अभी मैं 3 बजे से घर से निकला हूँ, अभी बज गए हैं 7 और अभी मुझे गांव भी जाना था, शायद आज शायद ना जा सकूँ, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन कोशिश करूँगा जाने की। अभी टायर तो बंद हो, टायर ही नहीं बंद हो रहा, काम फंस गया है यहीं पर आ गए। अभी टाइम गाइस 7:30 हो चुके हैं, तो अभी इन्होंने खोला है, तो अंदर से ये सूरत हाल है भाई। वहाँ से पेंचर लगवाया ना, तो उन्होंने इसके पानी के अंदर ही सारा टायर डाल दिया था, जिसकी वजह से जंग सारा लग गया, टायर ही नहीं घूमता भाई। है ना भाई, कितनी देर लगेगी कि सुबह चले जी। गाइस फाइव भी आ गया हूँ मैं अपने रूम में, बाइक का जो काम है वो थोड़ा सा पचीदा हो गया, तो वो इंशाल्लाह ताला सुबह करवाएंगे। तो अभी फिलहाल आपको सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल का चांद जो है, रबीउल का चांद मुबारक जो है वो नज़र आ चुका है, तो आप सबको रबीउल का चांद मुबारक हो। बाकी ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, और बस ठीक है, इस ब्लॉग को यही भी खत्म कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को करते लाइक, चैनल को करते सब्सक्राइब, ताज़ा कितना है। अल्लाह हाफ़िज़।